मित्रों, मरने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर को प्राप्त करने की जिज्ञासा अनादिकाल से लोगों में रही है। इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या पुनः वो दूसरा शरीर धारण करती है। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस गूढ़ विषय का काफी विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही एक आत्मा शरीर से अलग होती है तो उस स्थान पर यमदूत पहले से उपस्थित होता है, जो आत्मा को परलोक ले जाने के लिए वहां आता है। जिन्होंने सत्कर्म किए होते हैं वे आत्माएं बिना किसी उलझन के बड़े आराम से यमदूत के साथ बड़ी आसानी से चल देती है, पर गलत कर्म करने वालों के साथ इसके विपरीत होता है, क्योंकि ऐसी आत्माएं सहजता के साथ नहीं जाती और इसलिए यमदूतों को इन्हें ले जाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ता है और जबरदस्ती खींचते हुए ले जाया जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम आपको आगे बताएंगे। यहां आने के बाद आत्माओं के अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए थे। 24 घंटे के बाद यमदूत उन आत्माओं को पुनः वहीं ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी, और वो आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने के बाद यमदूत एक बार फिर से उन्हें लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर लेकर जाते हैं। पर मित्रों, इस यमलोक यात्रा के दौरान आत्मा को कई तरह के कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन गरुड़ पुराण में काफी बारीकी से बताया गया है, तो चलिए जानते हैं आगे की प्रक्रिया। मित्रों, अगर मरने वाले की आत्मा पुण्यात्मा हो, यानी उसने अपने जीवन में किसी का दिल न दुखाया हो, किसी के साथ बेईमानी न की हो, किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखी हो, तो वो बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं और वहीं कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा अर्थात जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ झूठ छल कपट का सहारा लिया हो, सीधे इंसानों को सताया हो, जो काम वासना में लिप्त रहा हो, तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद इस विचित्र खतरनाक और बेहद भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोद का नाम की एक नदी मिलती है, जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इस नदी का जल स्वच्छ एवं निर्मल एवं उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर वटवृक्ष भी है, जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिवारजनों द्वारा किए गए पिंड दान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होता है, जिससे उन आत्मा में शक्ति का संचार होता है। स्वर्ग गई हुई आत्मा देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उन्हें इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाता है तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगते हैं। नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों पेड़ पौधे एवं 84 लाख योनियों भटकने के बाद तब फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सदकर्म की इतनी ज्यादा महत्ता बतलाई गई है, पर दुर्भाग्य से आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं और धर्म से विमुख हो जा रहे हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा और यही हमारे जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उनके समक्ष उपस्थित किया जाता है।
जहां उनकी सभा में एक से एक प्रकांड ज्ञानी एवं परम विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्मा को किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहां उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों के सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां वो अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो मोक्ष के योग्य होती है, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी आत्माओं को दिव्यात्मा तथा पुण्यात्मा की संज्ञा दी गई है। ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन जगत कल्याण में लगा देते हैं। प्यारे दर्शकों, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव अच्छे कर्मों पर जोर दिया है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद भी इनका हिसाब किताब होता है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।